हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह को आज जेल भेज दिया गया है। भारती के घर और दफ्तर से गांजा बरामद होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें कल ही गिरफ्तार किया था। अब मुंबई के किला कोर्ट के आदेश पर भारती सिंह को मुंबई के भाईकाला जेल भेज दिया गया है। भाईकाला जेल आपको याद दिला दे वही जेल है जहां रिया चक्रवर्ती को भी रखा गया था। भारती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भारती के पति हर्ष लिम्बाचिया को भी इसी मामले में 14 दिनों की ही जेल हुई है। उन्हें नवी मुंबई की तनोजा जेल में भेजा गया है। दोनों ने मुंबई के किला कोर्ट में जमानत अर्जी दी है जिस पर सुनवाई कल होगी। भारती को भाईकाला जेल भेजा गया है, उनके पति हर्ष को तनोजा जेल भेजा गया है। तो देखिए, ड्रग्स मामले का फंदा ऐसा कसा कि कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया गया है। कल भारती के घर और ऑफिस में छापेमारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दोनों से लंबी पूछताछ की थी। बाद में दोनों को अलग अलग वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पति पत्नी दोनों को अलग अलग जेल में रहना होगा। हालांकि भारती सिंह और हर्ष ने जमानत के लिए अर्जी दी है जिस पर कल यानी सोमवार को मुंबई की किला कोर्ट में सुनवाई होगी। कॉमेडियन भारती सिंह मुंबई की जिस भाईकाला जेल में रहेंगी वहां पहले भी अलग अलग मामलों में कुछ चर्चित चेहरे कैद रह चुके हैं। भारती सिंह को तो आज ड्रग्स के मामले में भाईकाला जेल भेजा गया है। उनसे पहले बॉलीवुड ड्रग्स मामले में गिरफ्तार फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भी यहीं कैद रही। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर भी भाईकाला जेल में रह चुकी है। इसके अलावा शीना बोरा मर्डर केस के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी मुंबई की भाईकाला जेल में ही रही है। पुलिस की वैन में सवार और पुलिस के पहरे में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया और उनका पीछा करते दर्जनों कैमरे। छोटे पर्दे पर अपनी कॉमेडी से अलग पहचान बनाने वाली भारती सिंह ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा वक्त भी देखना पड़ेगा। लेकिन गांजा लेने के आरोप में आखिरकार भारती को जेल जाना पड़ा है। शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारती और उनके पति हर्ष के दफ्तर और घर पर छापा मारा था और गांजा बरामद भी कर लिया था। इसके बाद दोनों को पहले हिरासत में लिया गया और फिर दोनों की अलग अलग समय में गिरफ्तारी भी हो गई। आज मुंबई की किला कोर्ट ने पति पत्नी दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया। पेशी से पहले दोनों का मेडिकल परीक्षण किया गया। कोर्ट ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पति पत्नी दोनों ने आज ही कोर्ट में जमानत अर्जी भी दे दी है। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई कल यानी सोमवार को होगी। माननीय न्यायालय ने कोर्ट ने त्यांना 4 डिसेंबर पर्यंत ज्युडिशियल कस्टडी वर पाठवलेलं आहे दोघांना। सर, हर्ष एनसीबी कस्टडी मागण्यात आली होती, काय ग्राउंड वर मागण्यात आली होती? दैट इज ज्युडिशियल इश्यूज, आई कैनॉट कमेंट। भारती सिंह का मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि उनके ठिकाने से गांजा बरामद हुआ है। भारती सिंह के घर और दफ्तर से एनसीबी को 86.5 ग्राम गांजा मिला था। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारती को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। भारती के ऊपर कंजम्पशन के चार्जेस है और उसके हस्बैंड के ऊपर फाइनेंसिंग भी है, तो दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग है कोई यानी बाकी ड्रग डीलर के साथ पेडलर के साथ उनके कनेक्शन है, दैट वी आर ट्राइंग टू दैट आई कांट से राइट नाउ। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि टीवी फिल्म से जुड़े लोगों को पकड़ने के बजाय एनसीबी को नशे का व्यापार करने वालों की धरपकड़ करनी चाहिए। गिरफ्तारी करके सिर्फ पब्लिसिटी लेना ये उचित नहीं। एनसीबी का काम है कि ये ड्रग आता कहाँ से है, बेचने वाले कौन लोग हैं, पैदा कैसे होता है, बड़ी खेप कहाँ से आ रही है। ऐसी एक भी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से नहीं होती तो इसका क्या सोचा जाए कि बेचने वालों को खुली छूट दी गई है, माल लाने वालों को खुली छूट दी गई है और सिर्फ पब्लिसिटी करके लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हालांकि एनसीबी सूत्रों का कहना है कि एक ड्रग पेडलर की निशानदेही पर ही भारती के घर और दफ्तर पर छापा मारा गया और गांजा बरामद किया गया।
जिसने भारती को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। वरना कल से पहले भारती सिंह की दुनिया कुछ अलग ही थी। वो छोटे पर्दे पर लोगों को हंसा रही थी, गुदगुदा रही थी, लेकिन गांजे की बरामदगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में आने के बाद भारती की ये उन्मुक्त हंसी गायब हो गई। उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है, वरना तो अपनी कॉमेडी की टाइमिंग से वो चौंकाती रही है। भारती सिंह आप देख सकते हैं इस वक्त अपने वैन से उतरते हुए भाईखला जेल के अंदर दाखिल हो रही हैं। किला कोर्ट में सुनवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा गया है। 4 तारीख तक इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि जब कोर्ट में पेशी हुई थी उस दौरान भारती ने और हर्ष ने बेल एप्लीकेशन दायर की है और कल कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में जो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, भारती के घर से जो संदिग्ध कुछ सामान जो है बरामद किया गया है, ऐसे में भारती को जो है भाईखला जेल लाया गया है। साथ में उनके पति को जो है किसी अन्य जेल में ले जाया जाएगा और भाईखला जेल में आज की रात जो है भारती गुजारेंगी। कल जो है बेल एप्लीकेशन की जो सुनवाई है वो किला कोर्ट में होगी और ऐसे में जो मामला है, जो आरोप उन पर लगे हुए हैं, जो संदिग्ध, आप देख सकते हैं कि भारती सामने यहाँ भाईखला जेल में खड़ी हुई है पुलिस कर्मियों से बात करते हुए। आपको याद होगा कि ये वही जेल है जहां पर रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी की गिरफ्त के बाद में जो लाया गया था और लंबे समय तक यहां पर रिया चक्रवर्ती इस भाईखला जेल में रही थी। खास सेल यहां पर उनके लिए बनाया गया था। साथ ही भारती को आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों के साथ में यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगी। और आपको याद होगा कि भारती के घर पर जो है परसों के दिन छापा मारा गया था एनसीपी द्वारा, जहां पर कुछ मात्रा में चरस बरामद की गई थी और अन्य संदिग्ध जो दवाइयां हैं वो बरामद की गई थी। ऐसे में उनके पति और भारती सिंह पर जो है मामला दर्ज किया गया था। आज उनकी पेशी की गई थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही बेल एप्लीकेशन भी दायर किया गया है और कल जो है इसकी सुनवाई सेशंस कोर्ट में की जाएगी और भारती को बेल मिलती है नहीं ये देखना अहम होगा। लेकिन एनसीबी के जो वकील हैं उनका कहना है कि 27 और 20B के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। तो भारती सिंह गांजा लेने के आरोप में सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ड्रग्स केस में बदनामी से पहले उन्होंने मनोरंजन इंडस्ट्री में अपने अलग अलग अंदाज से खूब नाम कमाया। वो ऐसे क्षेत्र में मशहूर हुई जिसमें कि महिलाओं की मौजूदगी कम ही देखी गई है। 3 साल पहले हर्ष के रूप में उन्हें लाइफ पार्टनर मिला, यहां से उनके करियर में एक नया मोड़ भी आया। पंजाब में जन्मी भारती बचपन से ही अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। उन्हें कॉमेडी का जुनून था और यही जुनून उन्हें मुंबई ले आया। 2005 में शुरू हुए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भारती ने हिस्सा लिया और इसी शो में भारती ने 4th सीजन में अपना नाम दर्ज करवाया और पहली महिला कॉमेडियन रनर अप बनी थी। बड़े पर्दे पर भी भारती ने अपनी कॉमेडी का जादू खूब दिखाया। कई पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया और अक्षय कुमार की हिंदी फिल्म खिलाड़ी 786 में भी नजर आई। खबरों के मुताबिक भारती एक शो के करीब 15 से 20 लाख रुपए लेती हैं। पंजाब से ताल्लुक रखने वाली भारती को महंगी लग्जरी गाड़ियों का शौक है और उनके पास 50 लाख से ऊपर की करीब 4 गाड़ियां हैं। लेकिन अब ड्रग्स केस में नाम आने और गिरफ्तारी का असर भारती के करियर पर भी पड़ेगा। देखते हैं ये केस आगे क्या करवट लेता है।